नमस्कार मित्रांनो, मी शशिकांत जामनेकर आपल्या सर्वांचं स्वागत करतोय नमस्ते डॉक्टर या परिसंवादामध्ये। आज आपल्याला लाभलेले जे व्यक्तिमत्व आहे त्यांना आपण भेटणार आहोत। त्यांचं नाव आहे माननीय डॉक्टर सिकंदरजी अडवाणी, हे रेडियंट सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे संचालक व न्यूरोफिजिशियन हे आहेत। यांचा जो जीवन प्रवास आहे याबद्दल आपण खूप सविस्तरपणे त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया आणि प्रेक्षकांकडनं आलेले जी काही प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांची उत्तरं मी त्यांना विचारणार आहे आणि त्यांच्याच थ्रू आपण सर्व गोष्टी जाणून घेऊया। मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे आणि सर सर्व आमचे प्रेक्षक जे आहेत की तुमच्याकडनं तुमच्यासोबत बोलण्यासाठी ते आतुर आहेत आणि त्यांच्या प्रश्नांचीच उत्तरं आम्ही तुमच्याकडनं घेतोय। तर मी तुम्हाला काही वन बाय वन प्रश्न विचारेल, मला तुम्ही आमच्या सर्व प्रेक्षकांना तुम्ही चांगल्या पद्धतीने आन्सर कराल। थँक्यू शशी, थँक्यू, हॅलो एव्हरीवन। सर माझा पहिला प्रश्न असा तुम्हाला आहे की तुमच्या म्हणजे एक सुरुवातीपासून आम्ही जर बोलतो की तुमचं जे ओव्हरऑल एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड आहे, तुम्ही कशा पद्धतीने एज्युकेशन केलं आहे आणि कुठून कुठून तुम्ही डिग्रीज वगैरे कलेक्ट केली आहेत आणि तुमचं जे प्रायमरी एज्युकेशन आहे, सेकंडरी एज्युकेशन आहे, हायर एज्युकेशन आहे, याबद्दल थोडं आम्हाला जाणून घ्यायची इच्छा आहे। माझा जन्म अमरावतीमध्ये झाला होता आणि माझं प्रायमरी शिक्षण 10th पर्यंत ज्ञानमाता हायस्कूल आहे अमरावतीची। तेव्हा ऍक्च्युली अमरावतीमध्ये नेमकं मोजकी शाळा होती, म्हणजे हार्डली 3 ते 4 स्कूल होते अमरावतीमध्ये जे इम्पॉर्टंट स्कूल्स होते आणि त्यामधून ज्ञानमाता एक होता। मी ज्ञानमाता हायस्कूलमधून 10th पर्यंत केलं, नंतर 11th-12th बियानी सायन्स कॉलेज मधून केलं आणि नंतर माझं पहिल्यापासूनच मला डॉक्टर बनायचंच होतं आणि म्हणून MBBS नंतर मी वर्धामधून केलं, सावंगीमधून। आणि जेव्हा आपण MBBS करतो तर आपल्याला एक फील्डमध्ये उत्साह निर्माण होतो, राईट? आणि MBBS मध्ये आपण जाऊ शकतो सर्जन किंवा मेडिसिनमध्ये। आणि पहिल्या म्हणजे जेव्हा आपण इंटर्नशिप करतो तेव्हा मला मेडिसिन खूप आवडत होतं, म्हणून मी नंतर MD मेडिसिनची तयारी सुरुवात केली। 97 बॅच मध्ये आम्ही MBBS जॉईन झालो होतो और उस समय कैसा था कि जस्ट हमारे समय MUHS का एंट्री हुआ था। ओके। तो उस समय हमको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ा MD मेडिसिन के लिए और 2003 के बाद हमने MBBS पास आउट किया और फिर MD मेडिसिन हमने साइंस से किया मुंबई से। और जब मेडिसिन कर रहे थे तो जो मेरे जो गाइड थे वो न्यूरोलॉजिस्ट थे, तो मेडिसिन में मैंने 3 साल एज अ रजिस्ट्रार काम किया न्यूरोलॉजी के रजिस्ट्रार के तौर पर। तो तभी मैं न्यूरोलॉजी में इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप हुआ और फिर मैंने DM न्यूरोलॉजी निमहांस बैंगलोर से की। तो सर आई थिंक उस समय, मतलब अभी तो मेडिकल साइंस थोड़ा सा इजी हो चुका है जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बट उस टाइम जो टफ जो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्या उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं सर? उस एजुकेशन पीरियड टाइम आपको कोई एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट गई या फिर उसको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन आपको करना पड़ा? सबसे इम्पोर्टेंट था कि MBBS के बाद हमको पहली बार पता चला कि हमको एंट्रेंस के थ्रू मेडिकल जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें एंट्री लेनी है। तो उस समय जब आजकल कैसा होता है कि फर्स्ट ईयर से लोग वो एंट्रेंस की तैयारी चालू कर देते हैं MBBS के एंट्री होने के बाद, लेकिन हमारे समय जब इंटर्नशिप के बाद तुरंत हमारा 3 महीने के बाद हमारा एंट्रेंस टेस्ट था और वो भी महाराष्ट्र जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन टेस्ट होता है। तो उस समय जो मेरा रैंक आया था तो उससे मुझे MS मिल रहा था, सर्जरी मिल रहा था। लेकिन मुझे सर्जरी नहीं करना था, तो फिर वो उस समय एक चैलेंज आया था कि हमारे समय वो एक एग्जाम कैंसिल हुई थी एंट्रेंस, तो महाराष्ट्र स्टेट की पूरी कैंसिल हुई थी, उस समय कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो हमको 1 साल पूरा मेडिसिन के लिए तैयारी करना पड़ा और बाद में फिर हमको MD मेडिसिन साइन में मिला। और उसके बाद फिर MD मेडिसिन के बाद जब न्यूरोलॉजी करना था तो फिर वैसे ही हुआ कि हमने पूरा MD मेडिसिन के बाद 1 साल पूरी न्यूरोलॉजी की तैयारी करके फिर हम DM न्यूरोलॉजी में, क्योंकि एंट्रेंस लेना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि निमैंस में 5 सीट्स थी जब DM की और 2,000 से 2,500 लोग एग्जाम दिए और सब MD मेडिसिन सब ब्रिलियंट लोग एग्जाम देते हैं, तो उसमें 5 सीट्स में निमैंस में लाना तो उसमें बहुत टफ जॉब था। तो फिर लेकिन जैसे हमको वहां पे जैसे एंट्री मिली तो फिर वो रास्ते आसान होते गए। सर जैसे कि आपने बताया कि आप कुछ साल बैंगलोर में रहे हैं, कुछ मुंबई में रहे हैं, राइट?
तो जैसे आपका उस यंग एज के अंदर ऐसा एक मतलब फैक्ट, जैसे एज अ यंग एज में जैसे मैं भी रहता हूँ कि अलग उसको मेट्रो सिटीज में हम जब जाते हैं स्टडीज करते हैं वहाँ पे, वहाँ की भी चकाचौंध देख करके हमें लगता है कि यहीं पे सेटल हो जाए, बट आप ने अमरावती सिटी में आकर के एक रेडियंट को स्टार्ट करने का जो प्लान आपने किया, मतलब ऐसा कौन सा रीजन था, तो आप उसके बारे में प्लीज बताइएगा। शशि, हमारा अमरावती हमारी अपनी सिटी है और अपन कहीं पे भी जाएं वापस अपने को अपने घर आना ही पड़ता है। अमरावती के लोगों का जो मतलब जो कनेक्शन है वो बहुत मतलब रहता है कि वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहता है। और इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे जब हम निमैंस बैंगलोर में मैं डीएम कर रहा था न्यूरोलॉजी, तो मेरे जो गाइड थे वो उन्होंने मुझे ऑफर भी दिया था कि कनाडा में वहां पे मूवमेंट डिसऑर्डर में आप फेलोशिप करके आओ, लेकिन मुझे पता था कि मैं और इसके आगे अगर जाऊंगा तो फिर मुझे सेटल होने के लिए बहुत स्पेसिफिक चीजें लगेगी, बहुत स्पेसिफिक टाउन्स लगेंगे, क्योंकि उतनी सुपर स्पेशलिटी की जॉब करके फिर अपने को पर्टिकुलर फॉरेन में सेटल होना पड़ता है। लेकिन मेरा इतना क्लियर था माइंड में कि जस्ट डीएम न्यूरोलॉजी के बाद मुझे अमरावती आना है, क्योंकि मुझे मेरा मानना है कि एक बार आदमी सुपर स्पेशलिटी कर लेता है तो ही कैन जनरेट एम्प्लॉयज, राइट, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव था कि क्योंकि अगर मैं ही बाहर जाके एज अ एम्प्लॉयर काम करूं तो यहाँ पे कैसे एम्प्लॉयर, राइट, आपका जो मतलब माइंडसेट एज अ डॉक्टर तो आप हो ही सर, बट आपका जो माइंडसेट है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, क्योंकि आज हर कोई सर यूथ हमें पता है कि मतलब महाराष्ट्र में जनरली ऐसे होता है कि लोग उनके पेरेंट्स उनको बताया जाता है कि आप बच्चे आप अच्छी स्टडी कीजिए, अच्छी आपको मार्क्स मिलेंगे और आपको अच्छी जॉब करना है, राइट, एग्जैक्ट, बट ये माइंडसेट कोड़ा पैटर्न, अगर ये जॉब क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ बिजनेसेस भी स्टार्ट होने चाहिए, और आपने जो सर ड्रीम रखा है एंटरप्रेन्योरशिप जो क्रिएट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सबसे मेन मतलब बहुत अच्छे तरीके से सर आपने किया, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिर्फ नहीं, क्योंकि कैसा है कि एक बार न्यूरोलॉजी, जैसे आपको पता होगा कि पेशेंट को कुछ हुआ, स्ट्रोक हुआ, अब वो स्ट्रोक पेशेंट को अगर बॉम्बे में होता है या कोई भी एक मेट्रो सिटी में होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है तो वो अमरावती में क्यों नहीं मिलना चाहिए, राइट राइट, वो प्रोटोकॉल सब अमरावती में क्यों नहीं आने चाहिए, तो ये सब चीजें कैसा है कि जब तक सुपर स्पेशलिस्ट लोग अपने अपने रीजन में जाके कुछ सेटल नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आने हो ही नहीं सके, उनको फिर छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स के लिए या फिर जो एकदम क्रिटिकल जो ट्रीटमेंट्स रहती है उनको मतलब आउट ऑफ टाउन उनको जाना है, उसमें उतना जो टाइम जाता है सर उसमें वही बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहता है उनके लाइफ के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम रहता है किसी भी बीमारी के लिए, और स्पेशली ब्रेन के डिसऑर्डर्स में टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, और वहां पे अगर लेट हुए अपन तो ट्रीटमेंट, अपन भले बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट लें लेकिन टाइम लैग की वजह से वो रिकवरी नहीं आ सकती, वो तो बहुत, तो इसलिए हमने जैसे ही ये डिसीजन लिया था कि मेरे को अमरावती में आना है तो फिर अमरावती में आके फिर हमने हमारा ड्रीम स्टार्ट किया। तो तभी भी सर रेडियंट सुपर स्पेशलिटी का जो आपने प्लान किया था तो उस कंडीशन में आप मतलब किस टाइम से किया था, मतलब आपका एजुकेशन जब शुरू था उस टाइम में आपने सोचा था या फिर आगे जाके कुछ आपने डिसाइड किया, तो मतलब कब आपके दिमाग में ख्याल है कि जब रेडियंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को अभी स्टार्ट करना है और इस डेट पे मुझे लॉन्च करना है समथिंग एंड ऑल। जब मैं अमरावती आया था तो मेरे दिमाग में इतना क्लियर था कि मुझे न्यूरोलॉजी अच्छा न्यूरो सेंटर डेवलप करना है, और उसी सिलसिले में हमने हमारा ओपीडी शुरू किया, और अभी ऑलमोस्ट मुझे 10 साल हो गए अमरावती में, और फॉर्चुनेटली मुझे सभी अमरावती कर्स का जितने भी लोग हैं अमरावती में सबसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, और हमेशा हमने ये सोचा है कि जो बेस्ट अप टू डेटेड फैसिलिटी है न्यूरोलॉजी फील्ड से तो वो हम अमरावती कर्स को देने की कोशिश करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। इसी सिलसिले में जब हम साथ में थे तो डॉक्टर आनंद काका नहीं मैं हम साथ में सावंगी में जाते थे वीकली, मतलब आपकी जो जान पहचान हुई है या आपने जो बाकी की जो आपके आपने जो टीम है तो उनका मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड टाइम से ही हुआ है, फिर प्रैक्टिस टाइम से ही हुआ है, राइट, सब अपने अपने टाइम पे हम फॉर्चुनेटली कैसा है कि सब तारे जुड़ती गई, राइट, मैं आ गया फिर डॉक्टर आनंद काकानी सर से मिला, हम दोनों साथ में सावंगी जाते थे और वहीं पे हमारा बॉन्डिंग हुआ कि हमको अगर वो न्यूरो सर्जन है मैं न्यूरो फिजिशियन, राइट राइट, अगर हमको डालना है न्यूरो सेंटर तो इससे बेहतर क्या होगा,
तो फिर हमने ये सेटअप रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कंसेप्शन. राइट सर, मराठी में जैसे कहते हैं कि यूनिटी, मतलब यूनिटी का एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से लोग देते हैं. जैसे आपका एक जो यूनिटी बना, इस वजह से ही सर रेडिएंट मतलब स्टार्ट होना मतलब पॉसिबल हुआ है, कि आपकी जो यूनिटी थी उस यूनिटी को लेते हुए आपने, क्योंकि आज मुझे पता है कि रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये अमरावती का इतना बेस्ट हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पे सारी जो ट्रीटमेंट्स इतने एक्सपर्ट्स के थ्रू होती है. तो यहाँ पे क्योंकि ये एक पर्सन इससे पॉसिबल नहीं था, सर ने अभी डिसीजन लिया. तो सर न्यूरोसर्जन है और इसमें न्यूरोफिजिशियन भी सर है. तो बाकी के जो भी डिपार्टमेंट और जो ट्रीटमेंट्स है वो एक अंडर वन रूफ उन्होंने प्लान किया है. दैट इज वेरी नाइस. थैंक यू. और इसमें कोई भी टीम अपने को कोई भी एक अपना ड्रीम पूरा करना है तो टीम लगती है. right. और वो टीम हमारी धीरे धीरे बनती गई. जब हमने हमने न्यूरो का सोचा तो हमने सोचा कि एक हमको इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी मेडिकल फील्ड में दो सबसे कॉमन है, एक हार्ट एक ब्रेन. ओके okay. ये दोनों इमरजेंसी हमने कंबाइन करने के लिए हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन अग्रवाल भी जुड़ गए और धीरे धीरे फिर हमारा एक टीम बन गया. और फिर उस टीम से फिर हमने ये रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया. तो इस हॉस्पिटल का मेन मकसद यही था कि यहाँ पे जो सर्विसेज है, यानी अगर आप सोचोगे कि एक मेट्रो सिटी में एक पेशेंट को स्ट्रोक हुआ या हार्ट अटैक हुआ या एक्सीडेंट हुआ, वो जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहां पे जो कंसल्टेंट्स है उनको आने को टाइम लगता है. राइट, राइट, बॉम्बे में जाओगे अगर वो शाम के 6 बज गए हैं तो उसके बाद में कंसल्टेंट राइट, राइट, क्योंकि वो उनके लाइफ में बिजी. ये हमारा हॉस्पिटल है, हमारा ड्रीम है. राइट, राइट. तो हम यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, मतलब 24 आवर्स आप अगर कोई भी इमरजेंसी आती है ओके तो हम ही उनको पहले जो आरएमओ देखने के बाद हम ही देखते हैं. दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट एडवांटेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे. वेरी नाइस. तो इसमें सब जो भी स्पेशलिस्ट है, जैसे डॉक्टर काकानी सर है, मैम मैडम है, आप हो, मतलब ये स्पेशलिस्ट लोग रहेंगे उनके लिए 24 आवर्स. एग्जैक्टली. और वो बहुत बिग डिफरेंस है कि एक पेशेंट को इमरजेंसी में आए हुए पेशेंट को डायरेक्टली न्यूरोलॉजिस्ट देख रहा है, डायरेक्टली कार्डियोलॉजिस्ट देख रहा है, डायरेक्टली न्यूरोसर्जन. क्योंकि वो उस एकदम जब इनिशियली जब केस आती है तो उस कंडीशन बहुत क्रिटिकल केस रहते हैं और उनको उसको एक एक्सपर्ट, हाँ, डिसीजन मेकर जो है, क्योंकि उसी टाइम में जो प्राइमरी डिसीजन लेने रहते हैं वो अगर एक्सपर्ट के थ्रू ही अगर होते हैं, स्पेशलिस्ट के थ्रू ही अगर होते हैं, तो उसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं जल्दी से जल्दी रिकवर करने. क्योंकि डॉक्टर हमेशा यही ट्राई करता है कि डायग्नोसिस कंफर्म हो. राइट, करेक्ट. अगर आपका डायग्नोसिस प्रॉपर है तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत स्टैंडर्ड रहता है, सबको रहता है. हम ये हमेशा सोचना चाहिए कि हर पेशेंट, ऐसा नहीं होगा कि हर पेशेंट जो आएगा वो बच जाएगा, लेकिन अपने स्टेप्स बरोबर होने चाहिए. राइट, राइट, राइट. और वो स्टेप्स बरोबर होने चाहिए, उसके लिए ही हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से किसी भी पेशेंट को डायग्नोस करने में प्रॉब्लम ना जाए. राइट, करेक्ट, करेक्ट. सर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जो ब्रेन डिसऑर्डर्स रहते हैं वो किस किस टाइप के रहते हैं, और मतलब जो क्रिटिकल रहते हैं कुछ कुछ कॉमन रहते हैं नॉर्मली, और उनका जो ट्रीटमेंट है वो रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किस तरह से होता है, और कैसे कैसे हमारे पास में फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स अवेलेबल है इन सारी चीज़ों को क्योर करने के लिए. ब्रेन के बहुत सारे डिसऑर्डर्स है जो अच्छा. सबसे कॉमन डिसऑर्डर्स जो स्पेशली न्यूरोलॉजी में कैसा रहता है कि ओपीडी न्यूरोलॉजी रहता है, आईपीडी न्यूरोलॉजी रहता है. तो ओपीडी में आने वाले जो डिसऑर्डर्स है, मोस्ट कॉमन माइग्रेन के पेशेंट्स okay, जो हेडेक है. अब वो हेडेक के पेशेंट्स, माइग्रेन के पेशेंट सबसे कॉमन रहते हैं. उसके बाद में एक वर्टाइगो है. Okay. हमने डेडिकेटेड वर्टाइगो क्लिनिक भी चालू किया है. सर वर्टाइगो का मीनिंग हम कुछ मराठी या हिंदी में ऐसे सीधा वर्टाइगो का मतलब एग्जैक्टली क्या वर्ड? वर्टाइगो यानी चक्कर. ओके okay, अच्छा. ज्यादा अपन म्हणतो की मला चक्कर येत आहे. अच्छा, चक्कर. मी असं फिरलो, मी उठलो, मी चालत आहे, तर चक्कर येत आहे. अच्छा, अच्छा. तर चक्कर म्हणजे त्याला अंग्रेजी मध्ये वर्टाइगो म्हणतात. ओके, सिंपल. वर्टाइगो चक्कर जो है वो सबसे जो मिसकंसेप्शन है, मैं सबसे पहले वो क्लियर करना चाहूंगा कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि चक्कर आ रहा है मणक्या मध्ये गैप आहे, स्पॉन्डिलोसिस आहे. तो स्पॉन्डिलोसिस मणक्या मध्ये गैप मुळे कधी चक्कर येऊ शकत नाही. ओके, कभी चक्कर नहीं आता उससे. वर्टाइगो एक स्पेशल फील्ड है न्यूरोलॉजी की, जिसमें हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन से पार्ट से वो चक्कर शुरुआत हो रहे हैं.
ओके उसका जो ब्रेन के कनेक्शंस रहते हैं कान के अंदर तक, इन दोनों के कनेक्शंस के बीच में कहीं प्रॉब्लम होने की वजह से वर्टिगो होता है। और इसके लिए हमने डेडिकेटेड वर्टिगो क्लिनिक शुरू किया रेडियंट में, जहाँ पे वर्टिगो एक स्पेशली इक्विपमेंट है, जहाँ पे एग्जैक्ट पता चलता है कि वर्टिगो क्यों हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसकी फिर हम उसको रिहैबिलिटेशन भी कराते हैं और एक्सरसाइज सिखाते हैं कि बार बार ना हो। ओके उसके बाद जो कॉमन है वो है मिर्गी एपिलेप्सी। अच्छा, का बीमारी हम हर 2-3 महीने में कैंप्स लेते हैं एपिलेप्सी के, जहां बहुत सारे पेशेंट्स को हम फ्री में देखते हैं, बहुत जनों को 1-1 महीने की दवाइयां भी फ्री में देते हैं। उसके बाद में फिर हमारे जो दूसरे डिसऑर्डर्स है जैसे कि डिमेंशिया, पार्किंसंस, ये जो है लॉन्ग टर्म ओल्ड एज वाले पेशेंट्स रहते हैं, तो पार्किंसंस के लिए हमारे पास बहुत स्पेशल पार्किंसंस क्लिनिक है, जहाँ पे हम असेसमेंट करते हैं पेशेंट को, रिहैबिलिटेशन सिखाते हैं। डिमेंशिया पेशेंट्स के लिए मेमोरी क्लिनिक है, वहाँ पेशेंट्स को दिखाते हैं कि मेमोरी कैसे इंप्रूव की जाए और उसके लिए कौन सा रिहैबिलिटेशन अपार्ट फ्रॉम ड्रग्स। दवाइयाँ तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन घर पे जाके क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो न्यूरोपैथी है, GBS है, मायसिनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये कोर न्यूरोलॉजी के डिसऑर्डर्स है, जो कि ये सब न्यूरोलॉजिस्ट ही डिसाइड करता है कि उनका सॉर्ट आउट या ये किस तरह से करना, कौन सी किस कितने दिन तक दवाई देनी चाहिए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट IPD के लिए मैं बताना चाहूंगा कि वो है स्ट्रोक पैरालिसिस। ओके जो पैरालिसिस है वो न्यूरोलॉजी का सब्जेक्ट है, न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी, और उसमें स्ट्रोक में क्या होता है कि पेशेंट को पैरालिसिस होता है। तो हमने पिछले साल ही इसके लिए स्ट्रोक यूनिट शुरू किया रेडियंट में, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि इसको रेडियंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को वर्ल्ड स्ट्रोक एसोसिएशन की तरफ से एक डायमंड स्टेटस मिला है, जो कि वो असेस करते हैं और हमारी सर्विसेज आके देखते हैं। अच्छा। हमारी टीम देखते हैं। ओके। स्ट्रोक यूनिट यानी पैरालिसिस के लिए एक, जैसे ही पेशेंट कोई पैरालिसिस का आता है, जो कि विंडो पीरियड में, विंडो पीरियड यानी 4.5 घंटे के अंदर, पहले 4.5 घंटे अगर पेशेंट को पैरालिसिस होता है और वो 4.5 घंटे के अंदर आता है, तो वो जो उस पीरियड में अपन उनको इंजेक्शन दे सकते हैं, उनकी नस ओपन कर सकते हैं, तो ऐसे जो एलिजिबल पेशेंट है उसको इमीडिएटली स्ट्रोक कोड एक्टिवेट हो जाता है हमारे यहाँ। और स्ट्रोक कोड एक्टिवेट के बाद उसका पेशेंट का CT स्कैन होता है, फिर पेशेंट को ICU में शिफ्ट होता है, इंजेक्शन देते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो उसके अंदर नस खोलने के लिए मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टॉमी बोलते हैं, वो हम कैथ लैब में जाके। अच्छा, मतलब आपकी टीम पूरी एक्टिव हो जाती है उस स्ट्रोक पीरियड के, जैसे ही वो होता है तो एकदम पूरा डायनामिक हो जाता है, पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिवेट हो जाता है। हर पेशेंट, हर फील्ड के, जैसे टेक्नीशियन हो गया, कैजुअलिटी वाले हो गए, पैथोलॉजी वाले हो गए, ICU वाले हो गए, कैथ लैब वाले हो गए, इन सबको एक फोन चले जाता है। अच्छा। और सब जमा हो जाते हैं। ओके, हाँ, वो हमने सर एक वीडियो आपका देखा था, वो लास्ट टाइम एक वीडियो हमने आपके चैनल पे देखा है, तो उसमें सारी एक्टिविटी आपने एक्सप्लेन कर ली है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं कि इनका स्ट्रोक यूनिट किस तरीके से एक्टिवली काम करता है। Exactly. तो यू कैन चेक इट। यस, वो वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा कि स्ट्रोक यूनिट कैसे काम करता है। मेनली इन सब चीजों में बस एक ही चीज बताना चाहूंगा कि एक टीम वर्क मेडिकल फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अकेला नहीं, नो पॉसिबल, मैं सिर्फ डायग्नोस कर सकता हूँ, लेकिन हमारा टीम और वो टीम एक्सपर्ट टीम है क्या। ओके, तो हम धीरे धीरे रेडियंट हॉस्पिटल को पिछले 6-7 सालों में इस तरह से हमने मुकाम हासिल किया है कि एटलीस्ट आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं मेरे जो राइट फ्रॉम कैजुअलिटी में जो डॉक्टर है, राइट फ्रॉम ICU में जो इंटेंसिविस्ट है, जो टेक्नीशियन है कैथ लैब में, जो NCV है, हम नाउ कंडक्शन स्टडीज करते हैं, जो OT में टेक्नीशियन है, वो सब अब इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में उनके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है और कौन स्टेप पे क्या क्या करना है वो सब उनको पता है। तो ओवरऑल सर, रेडियंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कितने लोगों की टीम है और उसमें ऐसे एक ओवरऑल हमारी जो वो टोटल टीम है वो 250 के करीब है। अच्छा। और पूरे जो 3 शिफ्ट में लोग आते हैं, सब इंक्लूडिंग एवरीथिंग, स्टाफ, पैरामेडिकल, 24 आवर शुरू रखने के लिए आपको इतना सारा स्टाफ मैनेज करना है और उनको सब चीजें मैनेज करना। करीब 250 के करीब हमारा पूरा टीम हो चुका है और जल्दी ही हमारा जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश, और उसमें वहाँ की टीम अलग है, वहाँ पे हमारे पास 5 फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अच्छा। उसमें मास्टर्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बैचलर्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और वो भी काफी मेहनत करते हैं पेशेंट को बैक टू नॉर्मल। सर, हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसे देखी है कि रेडियंस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल
हर बार कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज लेके आता है, जो कि उसमें कुछ एक्टिविटीज जो है वो सारी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जैसे अभी हमने सुना है कि सर आप डांस थेरेपी जो रेगुलरली आप लेते हो वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे रहे हो, मतलब एक सोशल आपने एक्टिविटीज की है। क्योंकि हमें पता है कि जैसे एज अ मेडिकल फील्ड में अंदर एज अ डॉक्टर मतलब एक कमर्शियल पार्ट तो रहता है, बट उसके साथ साथ में आप कुछ सोशल एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो सर उनके बारे में और थोड़ा डिटेल हमें हमारे प्रेक्षक जानना चाहेंगे। एक्चुअली जब कोई भी एक डॉक्टर रहता है तो डॉक्टर हमेशा एक इट बिकम्स अ सोशल एनिमल, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी चीज है, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घर के अंदर तक सबके साथ जुड़ा रहता है। तो इसी चीज को, और जब हम आए थे अमरावती में तब देखा कि न्यूरोलॉजी डिजीजेस के बारे में अवेयरनेस काफी कम है, और उनको एग्जैक्टली जब तक लोगों को समझेगा नहीं कि उनको क्या प्रॉब्लम है तब तक वो सही टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, और सही टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो सही तरीके से इलाज नहीं होगा। तो इसी के चलते हमने एक शुरुआत छोटा सा हमने प्रोग्राम चालू किया था, जो कि हम जस्ट हमारे ओपीडी में करते थे शुरुआत के दौर में, यह 2016 की बात है। उस समय हमने एक रविवार आरोग्यवार ऐसा करके एक प्रोग्राम रखा था। तो एक रविवार आरोग्यवार हर महीने में चौथे रविवार को हम रखते थे मॉर्निंग में, और उसमें अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड अवेयरनेस करते थे। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था एक माइग्रेन से, हेडेक। हेडेक इतना कॉमन है कि मेरे ख्याल से 70-80% लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी हेडेक तो हुआ ही। तो वो हेडेक क्यों होता है, कौन से हेडेक को अपने निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, कौन से हेडेक को अपने सीरियसली लेना चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया। उसमें 15-20 लोग आए थे। उसके बाद में ये प्रोग्राम्स का जैसे सोसाइटी में परकुलेशन हुआ कि लोगों को समझा कि ये बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ से फिर हमारे जो प्रोग्राम्स में जो भीड़ है वो बढ़ने लगी। हम हमारे प्रोग्राम्स में अपार्ट फ्रॉम डिजीज के बारे में उनको फिजियोथेरेपी कैसे करना, अच्छा मतलब आप अवेयरनेस के साथ साथ में उनको कुछ ट्रीटमेंट्स या फिर कंसल्टेशंस भी देते हैं घर में क्या करना चाहिए जिससे अपने को वो डिजीज से बचाओ, Right. और अगर वो डिजीज हो भी गई तो उसको अपन कैसे ट्रीट करना चाहिए जैसे इमरजेंसी में। तो ऐसे हमने हर रविवार को जब शुरू किया, फिर हमने चक्कर वर्टिगो पे लिया, फिर हमने एक एपिलेप्सी के रैली निकाली थी। वो रैली के बारे में सर हमने देखा है, मतलब पूरा अमरावती सिटी में वो बहुत अच्छे तरीके से आपने रैली का कवर किया था। हमने साइक्लेथॉन साइकिल रैली से चालू किया था, पार्किंसन हमने वॉकेथॉन किया जहाँ पे सब पार्किंसन पेशेंट खुद वॉकिंग करते हुए गए 1 किलोमीटर तक। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था जो मेरे से बहुत दिल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया यानी जिसको अपन मराठी मध्ये विसर भोड़ेपणा म्हणतो, यामध्ये म्हणजे वयस्कर लोकांचा आजार आहे आणि जसं जसं वय वाढते तसं तसं आपण विसर भोड़ेपणा, आणि ते पेशंट युजुअली कसे असतात की वयस्कर असल्यामुळे त्यांच्याकडे लक्ष देणार कोणी नसते। आणि भरपूर कसं असते की अमरावती सिटी मधून लोक म्हणजे यंग लोक ते युजली बाहेर राहतात। बरोबर बरोबर, आपने देखा होगा की बॉम्बे पुणा कॅनडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका इन सब जगह पे बच्चे के और पेरेंट्स यहाँ पे है। तो वो पेरेंट्स और सोसाइटी में उसकी एक इमेज एक रिस्पेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने एक प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था विसर नारायण विसरू। तो ये ड्रामा विशाल तराल ने डायरेक्ट किया था, और हमने इस प्रोग्राम के द्वारा एक सोशल एस्पेक्ट दिखाया था डिमेंशिया का। और वो प्रोग्राम 2018 में हुआ था अगस्त में, और वो 2018 अगस्त में प्रोग्राम हमने एक्चुअली सांस्कृतिक भवन में 1230 सीट्स है लेकिन जब वो प्रोग्राम जिस दिन था उस दिन हम जब बाहर खड़े थे और हमको बाहर डिमेंशिया बनाना था वो आप वीडियो में देख सकते हैं तब करीब करीब 5,000-6,000 पब्लिक आई। बाप रे, उतना मतलब रिस्पॉन्स अनएक्सेप्टेड रिस्पॉन्स उनको मिल, मतलब मिल गया इतना एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था कि हमारे पूरे कंट्रोल की सब कुछ बाहर चले गया, हमको समझ नहीं रहा था कि इतनी भीड़ को कैसे इकट्ठा करें। और फिर हम आई थिंक सर वो आपका बिगेस्ट प्रोग्राम था एवर। हाँ, वो प्रोग्राम से हमारा लैंडमार्क्स चालू हुआ, यानी वो रेडिएंट हैज लैंडेड इन द अमरावती। इस तरह से हमको समझा, और वो प्रोग्राम को इतना अच्छा प्रतिसाद मिला कि उसके बाद फिर
हमारे सभी से तार जुड़ते गए right. तो फिर हमारे नए नए चीजें आती गई, नए नए प्रोग्राम्स हम करते गए, और वो प्रोग्राम्स के जरिए हमारा एक ही मोटो है कि जनरल पब्लिक में लोगों को पता होना चाहिए right. क्योंकि हमें हमेशा बोलते हैं कि किसी को हमारे मींस कभी हमारे जो साथी हैं जब लोगों के पास जाते हैं तो कुछ कुछ लोगों के निगेटिव कमेंट्स भी रहते हैं कि ये बीमारी के बारे में क्यों बता रहे हैं, हमको डरा क्यों रहे हैं, जबकि ये ऐसी चीज है कि लोगों को पता होना जरूरी है क्योंकि ये तो होना ही है, होना ही है, वो तो बीमारी ऐसी है, बीमारी चीज ऐसी है कि किसी ना किसी को कभी ना कभी होना ही है, उसको अपन रोक नहीं सकते, बट उसके बारे में अगर पूरी जानकारी पता हो तो प्रॉपर स्टेप्स हो एग्जैक्टली ज्यादा, क्योंकि वो ऐसे कहते हैं कि वेड़ गेल्यानंतर कहीं अपन एग्जैक्टली ते वेड़ गेल्यानंतर आता सुद्धा कहीं ना हो, वेड़ नाही जाय गेला पाहिजे, आपण आपली प्रॉपर बचाव केलं पाहिजे, आपण काय काय केलं पाहिजे, म्हणजे आतमध्ये कसं फिजिओथेरपी करायची, घरामध्ये काय काय एक प्रॉपर नियम फॉलो करायचे ज्या प्रकारे आपण निरोगी राहणार, बस त्याच्यासाठीच हे सर्व आपण प्रोग्राम जे प्लॅन करतो आणि वेगवेगळ्या थीम्सवर करतो. ओके 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 सर, रेडियंट सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल तर आहेच आहे, बट तुम्ही आता एक रेडियंट रिहॅबिलिटेशन सेंटर पण तुम्ही स्टार्टअप केलेलं आहे, तर त्यामध्ये काय काय ऍक्टिव्हिटीज येतात जरा त्याबद्दल थोडं. रिहॅबिलिटेशन सेंटर रेडियंट्स आता आम्हाला 3 वर्ष झालेले आहेत. ओके, रिहॅबिलिटेशन इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट को प्रॉडक्ट ऑफ न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल रिहॅबिलिटेशन. म्हणजे एक न्यूरोलॉजीला एक रिहॅबिलिटेशन लागतोच. रिहॅबिलिटेशन म्हणजे काय की रिहॅबिलिटेशन म्हणजे की आपण एक पेशंटला परत त्या स्थितीत ज्या स्थितीत तो होता तेवढं किती आणू शकतो. ओके ओके, यानी उनको वो पहले की पोजीशन में कितना ला सकते हैं उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन. मतलब वहां पे जितने भी पेशेंट्स है वो रह के उनका ट्रीटमेंट होता है, मतलब वहां पे एक्टिविटी एग्जैक्टली. तो वो जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रहते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट रहते हैं, लेकिन इसमें हमने एक और जोर दिया था डांस थेरेपी. ओके, जो अभी हमने डांस थेरेपी हमने पिछले 5 साल से कंटिन्यू रखा है, और वो रोज वहां पे 15 से 20 लोग जो कि सब रिटायर्ड ओल्ड एज, हमारे जो हाईएस्ट एज वाले जो पेशेंट है वो 82 इयर्स के हैं, लेडी जो घर से आते हैं और यहाँ पे रोज अपना 1 घंटे के लिए वो फ्री हो जाते हैं टेंशन. ओके ओके, और उसका टाइमिंग कैसे रहता है सर, अगर किसी को ज्वाइन करना है उस प्रोग्राम के अंदर, जैसे डांस थेरेपी के अंदर किसी को अगर एनरोल करना है तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा और कैसा टाइमिंग रहेगा? प्रोसीजर बहुत सिंपल है कि वो रेडियंट हॉस्पिटल आ सकते हैं, वो हमको बता सकते हैं कि उनको डांस थेरेपी ज्वाइन करना है. ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये पेशेंट्स के लिए है. तो अगर कोई पार्किंसंस, डिमेंशिया, स्ट्रोक का पेशेंट है जिसको ऐसे लगता है कि ओल्ड एज है और उनको ज्वाइन करना चाहिए तो वो ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पे हमारे एक ट्रेंड डांस थेरेपिस्ट रहते हैं और वो 1 घंटे तक उनका डांस लेते हैं. इसको हमने थोड़ा और मॉडिफाई किया है अभी, और इसमें कैसे करते हैं कि क्योंकि उनकी मेंटल एक्टिविटी होनी चाहिए तो उनको हम न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं. ओके, और उनको एक गोल दिया जाता है, मंथली एक मॉनिटर रहता है उनका, तो इस तरह से उनका गोल डायरेक्टेड वो हम देख रहे हैं. क्योंकि इसको यहीं तक सीमित नहीं रहना है, क्योंकि ऐसी सब चीजें जो है अपन अगर देखेंगे कि कोई कंट्रीज लाइक जापान, वहां पे ये एक्टिविटीज बहुत ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत होती है. यहाँ पे एक्चुअली उतनी एक्टिविटीज नहीं होती, तो हमारा ये एक हम्बल एक शुरुआत है. देखते हैं ये आगे तक कहाँ. डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से सर आपने मतलब इसको प्लान किया, क्योंकि अभी तक अमरावती सिटी में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जो इतनी यूनिक है और स्पेशली एल्डर एज लोगों के लिए उन्हें आपने प्लान किया है. बहुत अच्छे तरीके से सर आपने प्लान किया. थैंक यू सर. जेव्हा पश्चिम विदर्भामध्ये जेव्हा आपण स्ट्रोकचा प्रॉब्लेम जेव्हा क्रिएट होतो तेव्हा मग रेडियंट सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचंच नाव का येतं, हे तुमच्या कामाची पावती आहे की लोकांचा आपल्या प्रतीचा जो विश्वास आहे याबद्दल? त्याच्यासाठीच मी म्हटलं की ऍक्च्युली कोणताही काम सोपं नसते आणि त्याला आपण स्टार्ट पासून स्क्रॅच पासून सुरुवात करतो. जसं आपण सुरुवात केली होती तेव्हापासून आजपर्यंत जशी टीम तयार झालेली आहे आणि जे लोक इथून क्युअर होऊन गेलेले आहे आणि त्याची आम्हाला म्हणजे अप्रिसिएशन पण भेटलं की आम्हाला डायमंड स्टेटस भेटलं द वर्ल्ड स्ट्रोक असोसिएशन करून. आणि हे तुम्हाला माहित पाहिजे की हे इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन आहे. ओके, इंटरनॅशनल स्ट्रोक ऑर्गनायझेशन, ज्याला वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गनायझेशन म्हणतो आपण. वर्ल्ड स्ट्रोक असोसिएशन हे प्रत्येक 3 महिन्याला आपली टीम पाठवते.
ओके हॉस्पिटलमध्ये आणि टीम पाठवल्यानंतर ते इन्स्पेक्ट करतात की तुमच्या 3 महिन्यामध्ये किती स्ट्रोक पेशंट आले, किती ब्रेनचे पेशंट आले ज्यांना लकवा होता आणि त्या लकव्यामध्ये पेशंट आल्यानंतर तुमची टीमनी किती म्हणजे इमर्जन्सीमध्ये त्यांना ट्रीटमेंट दिली, ते पेशंटला किती वेळा ती इंजेक्शन भेटली, त्या पेशंटचं जेव्हा तिथून गेला त्याचं रिहॅबिलिटेशन कसं होतं, जेव्हा पेशंट डिस्चार्ज झाला आणि जेव्हा पेशंट ऍडमिट झाला होता त्यामध्ये काय डिफरन्सेस होते, तर हे सगळं डिटेलमध्ये आपल्याला त्यांना पाठवावं लागतं आणि ते बघितल्यानंतर ज्यांनी आम्हाला हे डायमंड स्टेटस भेटलेला दिलेला आहे आणि यामुळे इंडियामध्ये थर्डच आहे आम्ही, म्हणजे हे ज्यांना डायमंड स्टेटस, 3 हॉस्पिटल आहेत ज्यांना डायमंड स्टेटस मिळाला आणि रेडियंट सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल त्यामधून एक आहे, तर त्याच्यामुळे मला वाटते की डेफिनेटली ते स्ट्रोक केअर आमची हळूहळू अजून इम्प्रूव्हमेंट होणार. ओके, तर हे आपल्या अमरावतीकरांसाठी अगदी म्हणजे एक बेस्ट गोष्ट आहे की अमरावतीमध्ये एवढं इफेक्टिव्ह आणि एवढं टॅलेंटेड एक्सपर्ट इथे आहेत की ज्यांच्यापासून तुम्ही तुमची ट्रीटमेंट्स पण फ्युचरमध्ये करू शकाल. ओके सर, मला अजून एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की अशी एखादी कोणती केस तुम्ही सांगू शकाल का की थोडी कॉम्प्लिकेटेड होती बट तुम्ही त्यांना खूप चांगल्या पद्धतीने हे केलात, म्हणजे स्ट्रोक रिलेटेड अशी एखादी सिच्युएशन? कसं असतं की ते भरपूर केसेस असतात आणि डॉक्टरच्या जीवनात म्हणजे ऑलमोस्ट डेलीच काही ना काही तुम्हाला एव्हरीडे चॅलेंज फेस करावं लागतं बिकॉज एव्हरी पेशंट इज डिफरंट. राईट, टू स्ट्रोक पेशंट मे नॉट बी सेम. ओके, पण असं एक मला आठवते की एक पेशंट आला होता रात्री, त्यांची आई शी वॉज 72 इयर ओल्ड लेडी आणि त्यांना जेवण करता करता ती पूर्ण बेशुद्ध झाली. जेव्हा इथे आली तर तिचं म्हणजे पल्स बीपी पण नव्हता आणि तिला इमिजिएटली आयसीयू कॅज्युअलिटी मध्येच त्यांना ट्यूब टाकून, ज्याला आपण श्वासाची नळी म्हणतो ते टाकून आयसीयू मध्ये नेऊन तिला आपण ती इंजेक्शन दिली होती कारण की असं वाटत होतं सिटी स्कॅन मध्ये की तिला स्ट्रोक झालेला आहे आणि सिटी ते इंजेक्शन दिल्यानंतर 2 दिवसात ती पूर्णपणे तिने डोळे उघडले आणि 7 दिवसानंतर ती चालत घरी गेली. जेव्हा असं पेशंट, एक पेशंट ज्यांना ऑलमोस्ट ज्यांना डेड डिक्लेअर केलेला आहे किंवा एवढा सिरियस पेशंट आहे, जेव्हा तो चालत जातो तर ते डॉक्टरांसाठी सर्वात छान एक मोमेंट असतो अँड इट इज अ मोमेंट टू चेरिश. करेक्ट सर, आतापर्यंत तुम्ही जो प्रवास सांगितलाय यामध्ये अजून एक, जसं मराठीमध्ये म्हणतात की एका यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्रीचा हात असतो, तर मला त्यांच्याबद्दल थोडं जाणून घ्यायचं आमच्या प्रेक्षकांना. डेफिनेटली स्त्रीचा हात म्हणजे मागेच नसते ते पुढे पण असतात. ते सर्वात महत्वाचं आहे. माझी वाईफ डॉक्टर सीमा अडवाणी आणि ती पॅथॉलॉजिस्ट आहे आणि आम्हाला 2 मुलं आहेत, दोन्ही मुली आहेत वैदई आणि रिधिमा. मी आमचा प्रवास म्हणजे एमबीबीएस पासून सुरू आहे, आता आम्हाला 25 वर्ष झालेले आहेत सर्वातून आणि ती म्हणजे मी इथे आहे म्हणून मी बिंदास असतो इथे हॉस्पिटलमध्ये फॅमिली जवळ आणि मॅडम पण आपल्या मॅडम इथेच हॉस्पिटलमध्ये पॅथॉलॉजिस्ट आहे, तर हे सगळं आम्ही सोबतच असतो आणि इट इज ऑलवेज नाईस टू हॅव अ सच स्ट्रॉंग हेल्दी फॅमिली विथ यू. आणि सर, आपल्यासोबत असणारे जे आता काकानी सर आहेत, नंतर पवन अग्रवाल सर आहेत, यांच्यासोबतचा तुमचा जो काही कोलॅबरेशन राहिलेला आहे किंवा जो संवाद होतो किंवा ज्या गोष्टी आहेत, तर थोडं त्याबद्दल थोडं सांगू शकाल की म्हणजे ऍज अ टीम वर्क करतो आणि ऍज अ फॅमिली टाइप ऑफ फॅमिली ऍज अ टीम आम्ही मे बी डेफिनेटली मंथली वन्स आम्ही बाहेर जातो, सर्व बसतो आणि एकमेकांशी सर्व काही शेअर करतो. राईट राईट, इट इज अ व्हेरी क्लोज बॉन्ड आणि आम्ही सर्व बेसिकली कसं आहे की कोणत्या पण इन्स्टिट्यूट जेव्हा चालते वरती पोहोचते तर त्याच्या मागे सर्व टीम युनिटी खूप महत्वाची आणि ती युनिटी आमच्यामध्ये खूप आहे आणि ते त्याच्याबद्दलच म्हणजे त्याच्यापासूनच आम्ही एवढं म्हणजे रेडियंट हॉस्पिटल जे पुढे जात आहे. दॅट इज ओनली बिकॉज ऑफ क्लोज बॉन्डिंग नॉट ओनली ऑफ डायरेक्टर्स बट ऑल्सो ऑफ ऑल द स्टाफ. ओके ओके, धन्यवाद सर, तुम्ही आज आमच्या शो वरती आलात आणि तुम्ही आमच्यासोबत सर्व आमच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळालेली आहेत आणि अजूनही काही प्रश्न असतील आपल्या प्रेक्षकांचे तर तुम्ही कॉमेंट्स मध्ये लिहू शकता, आपण प्रत्येक क्वेश्चनचा आन्सर आपण सरांकडनं घेण्याचा प्रयत्न करूया आणि ते तुम्हाला तुमच्या असलेल्या छोट्या छोट्या प्रश्नांची उत्तरं पण तुम्ही देण्यासाठी ते तयार आहेत. तर तुम्ही आमच्या यूट्यूब चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला भविष्यामध्ये येणारे जे काही आमचे रिलेटेड व्हिडिओज आहेत सरांचे, जे पूर्ण नॉलेज आहे, कारण की आज आता सरांनी एवढा जो एक्सपिरियन्स आहे, सरांनी घेतलेला जो 10-15 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, याच्याबद्दल सर्व अमरावतीकरांना आणि पूर्ण महाराष्ट्रातल्या सर्व जनतेला हे ब्रेन मध्ये होणारे जेवढे काही डिसऑर्डर्स आहे याबद्दल
ते एव्हरी डे आपल्याला नॉलेज शेअर करणार आहेत. तर तुम्ही आमच्या सर्व रेडियंट सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या सर्व सोशल मीडिया नेटवर्क्सला तुम्ही कनेक्टेड राहाल. थँक्यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन.